नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था वेल्डिंग जॉइंट। वेल्डिंग जॉइंट कितने प्रकार के तो हैं, इन सब को हमने देखा था। आपको पता है हमने प्लेट जॉइंट के बारे में बात की थी, प्लेट जॉइंट 5 प्रकार के होते हैं, और हमने पाइप जॉइंट के ऊपर भी बात की थी जो कि हमने 7 प्रकार के पाइप जॉइंट देखे थे। अब आज जो वेल्डिंग जॉइंट के साथ ये जो टॉपिक है एज प्रिपरेशन, ये वेल्डिंग जॉइंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके स्किल टेस्ट होने वाले हैं और या फिर आप किसी भी इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आज आपके लिए होने वाला है। ऐसी नॉलेज आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है, लेकिन आपकी नीड को देखते हुए मैंने ये टॉपिक जो है लगातार बैक टू बैक मैं जल्दी जल्दी ला रहा हूँ ताकि आपके स्किल टेस्ट में आपको हेल्प मिल जाए। आगे बात समझ में, तो एज प्रिपरेशन क्या होता है ये हम जान लेते हैं, परिचय देख लेते हैं कि एज प्रिपरेशन क्या होता है। मोटी प्लेटों पर वेल्डिंग करते समय अच्छा पेनिट्रेशन एवं मजबूत जॉइंट प्राप्त करने के लिए जॉब के किनारों की तैयारी करना बहुत ही आवश्यक होता है। किनारों की तैयारी, बार बार ये शब्द आ रहा है, एज प्रिपरेशन, किनारे की तैयारी, ये क्या होता है? देखिए क्या होता है, मैं बता देता हूँ। हमारा कोई भी ये जॉब है, इसके ये क्या है, एज है। क्या है ये? एज है, यानी कि किनारे है। ठीक है, जब हम कोई भी जॉइंट लगाते हैं तो जॉइंट जो हमारा लगता है दोनों किनारों के ऊपर लगता है, तभी हम क्या करते हैं उसको वेल्ड कर पाते हैं। अब किनारों की तैयारी कर क्या होती है वो देख लीजिए। जब हमारा कोई भी जॉइंट है उसके किनारों को अगर हम घिस देते हैं, या टेपर कर देते हैं, ग्राइंडर चला देते हैं इनके ऊपर, तो अगर हम जॉब के किनारों को इस प्रकार से घिस देते हैं या जॉब के किनारों को हम इस प्रकार से घिस देते हैं, किसी भी प्रकार से अगर हम जॉब को घिस कर आगे से जॉब के किनारों को, जॉब की थिकनेस को कम कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम एज प्रिपरेशन, इसे ही हम क्या कहते हैं किनारों की तैयारी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब भी आप थिक प्लेट के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं, जब भी आप 8 mm, 10 mm, 15 mm के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये बात बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। आप 5 mm, 3 mm के ऊपर वेल्डिंग लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा आप जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 mm, 15 mm के ऊपर अगर आप वेल्डिंग लगाने जा रहे हैं, अगर आपने एज प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने किनारों की तैयारी करके जॉइंट नहीं लगाया, तो आपका जॉइंट फेल हो जाएगा, आपका जॉइंट खराब हो जाएगा। देखिए, आपका जॉइंट आपका भविष्य है, आपका जॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम जब भी कोई दो पार्ट को जोड़ते हैं तो उसके ऊपर वेल्डिंग किस लिए लगाते हैं, कि वो पार्ट हमारा मजबूत रहे, हम किसी भी उपयोग में ले रहे हैं तो वो वहाँ पर फेल नहीं हो। लेकिन अगर आप इस तरह से किनारों की तैयारी करके जॉइंट नहीं लगाएंगे तो आपका जॉइंट फेल हो सकता है, क्योंकि गहराई तक पेनिट्रेशन प्राप्त नहीं होगा, जॉइंट मजबूत नहीं होगा। मोटी प्लेटों के ऊपर जब आप बिना एज प्रिपरेशन के वेल्डिंग करेंगे तो जॉब अच्छे से फ्यूज़ नहीं होता है, गहराई तक पेनिट्रेशन नहीं जा पाता है। तो गहराई तक पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एज प्रिपरेशन करते हैं। तो एज प्रिपरेशन किए हुए जॉब किस प्रकार के होते हैं, एज प्रिपरेशन किए हुए जॉब भी उसी प्रकार के होते हैं जो हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था, वही हम बट जॉइंट, टी जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट बनाते हैं, लेकिन उनको हम थिकनेस के अनुसार मॉडिफाई कर देते हैं और वो जो हमारे जॉइंट है वो अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो हमने वेल्डिंग जॉइंट देखे थे उनको हम किस प्रकार से एज प्रिपेयर करके उनको मॉडिफाई कर सकते हैं और कितने प्रकार से वो मॉडिफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जॉइंट था वो था बट जॉइंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट और सबसे आसान जो जॉइंट होता है वेल्डिंग में वो होता है बट जॉइंट। आगे बात समझ में,
अब बट जॉइंट के ऊपर एज प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं वो हम समझ लेते हैं। पहला जो हमारा बट जॉइंट का टाइप है वो है स्क्वायर बट जॉइंट। अगर आपका जॉब है, आपकी जो प्लेट है उसकी थिकनेस 5 mm तक है या 6 mm तक है, तो आपको किसी भी प्रकार के एज प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको जॉब को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा दोनों जॉब को रखना है, दोनों मतलब कि प्लेटों को रखना है और वेल्डिंग करना है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, दोनों प्लेटों के बीच में आपको 2 mm का गैप रखना है, जिसको हम क्या कहते हैं, रूट गैप कहते हैं। 2 mm का रूट गैप आप दीजिए और सीधा आप स्क्वायर एज के साथ ही वेल्डिंग कर दीजिए। अब वेल्डिंग करने के लिए, इस जॉब को वेल्डिंग करने के लिए आपको कौन से इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी, तो वो है इलेक्ट्रोड 3.15 mm का जो इलेक्ट्रोड आता है उससे आप इसको वेल्ड कर सकते हैं। अगर आपके जॉब की थिकनेस 3 mm है, ठीक है, या कम थिकनेस वाला जॉब है, तो उसके लिए आप 2.5 वाला इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जॉब 5 mm, 6 mm, 7 mm है, तो आप 3.15 का जो इलेक्ट्रोड आता है उसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा जॉइंट है बट जॉइंट के अंदर, वो है सिंगल वी। ठीक है, कौन सा है, सिंगल वी। देखिए, जो हमारे जॉब है अगर हम उनको घिसकर, ग्राइंडर से घिसकर या फाइल से घिसकर इस प्रकार से टेपर कर देते हैं, और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वी, अंग्रेजी के वी टाइप में यहाँ पर शेप बन गई है। अगर इस प्रकार से हम जॉइंट की तैयारी करते हैं तो ये हमारा कहलाता है सिंगल वी, यानी कि एक वी यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब इसमें मेन ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि ये जो आप टेपर करेंगे किनारों को, जो इस प्रकार से आप टेपर करेंगे सिंगल वी बनाने के लिए, तो एक जॉब को आपको कितना टेपर करना है, तो एक जॉब को आपको 30 डिग्री के ऊपर आपको टेपर करना है, तो दोनों जॉब मिलाकर वो 60 डिग्री हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर सकते हैं, जब भी आप सिंगल वी बट जॉइंट लगाएंगे तो आपका जो वी का जो एंगल रहेगा वो रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें और हैं कि सिंगल वी जब हम बनाते हैं तो उसमें रूट फेस भी रखते हैं। देखिए, कुछ पार्ट जो है जॉब का, कुछ पार्ट जो है घिसा जाता है और कुछ जो है स्क्वायर रखा जाता है। तो ये जो पार्ट स्क्वायर रखा है ये कहलाता है हमारा रूट फेस। क्या कहलाता है, रूट फेस। ये बहुत ज़रूरी है, जो पिघले हुए मेटल को सहारा देने का कार्य करता है। अगर आप ये रूट फेस नहीं रखेंगे तो अधिक करंट पर जॉब हमारा पिघल कर नीचे गिर जाएगा, तो उसको सहारा देने का ये कार्य करता है, ये कहलाता है रूट फेस। ये हम रखेंगे इसमें 3 mm रूट फेस हमें जॉब में रखना है। साथ ही में अब जब हम दोनों जॉबों को एक साथ रखते हैं, तो इनके बीच में जो गैप है ये कहलाता है रूट गैप। क्या कहलाता है, ये रूट गैप। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप रूट गैप नहीं देंगे तो जॉब ये पिघल के अंदर तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि जॉब अच्छे से पिघल कर अंदर तक, नीचे तक पेनिट्रेशन पहुँच जाना चाहिए, पिघला हुआ मेटल नीचे तक पहुँच जाना चाहिए, तभी आपका जॉइंट मजबूत रहेगा। तो आपको सिंगल वी बट जॉइंट के अंदर 2 से 3 mm का रूट गैप रखना है, तब वेल्डिंग आपको लगानी है। अब इसके लिए इलेक्ट्रोड कौन से यूज़ करेंगे, तो ये जो फर्स्ट बीड आप लगाएंगे इसको कहते हैं रूट रन। क्या कहते हैं, रूट रन। रूट रन लगाने के लिए आपको 2.5 mm इलेक्ट्रोड का उपयोग करना है। इसके बाद में आप जो भी वेल्डिंग बीड लगाएंगे उसको हॉट पास कहते हैं, जैसे सेकंड रन आप लगाएंगे या फाइनल रन लगाएंगे, तो उनमें आप 3.15 mm इलेक्ट्रोड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रूट के लिए आप 2.5 mm इलेक्ट्रोड का उपयोग आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा अगला जो जॉइंट है वो है हमारा डबल वी। ठीक, इसमें एक चीज़ और रह गई, देखिए सिंगल वी बट जॉइंट कितनी मोटी प्लेट पर लगाना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो 8 से लेकर 12 mm तक, अगर आपके प्लेट की मोटाई 8 से लेकर 12 mm तक है तो आपको सिंगल वी बट जॉइंट लगाना है, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट है वो है डबल वी, ठीक है, डबल वी बट जॉइंट। ये किस प्रकार से लगाते हैं, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर इस जॉइंट के ऊपर सिंगल वी बनाई थी, यानी कि ऊपर से किनारे टेपर किए थे, लेकिन इसमें क्या होगा, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से किनारों को हम टेपर करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम जॉब के किनारों की तैयारी करते हैं, एज प्रिपरेशन करते हैं, तो ये हमारी हो जाती है डबल वी। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जॉब की साइज बढ़ गई है, हमारे प्लेट की थिकनेस बढ़ गई है 12 mm से अधिक। अगर हमारे प्लेट की मोटाई 12 mm से अधिक है, यानी 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, अगर हमारे प्लेट की मोटाई ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर डबल वी बट जॉइंट भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो जॉइंट है दोनों तरफ से अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाएगा, अंदर जो फ्यूजन है पूरा कंप्लीट फ्यूजन आपको प्राप्त होगा और मजबूती जो है अच्छी आपको उसमें मिलेगी। अब इसमें क्या है कि आपको रूट रन लगाने के लिए 3.15 mm इलेक्ट्रोड का उपयोग करना है, और बाकी जो सेकंड रन लगाएंगे आप, हॉट पास लगाएंगे या फाइनल रन लगाएंगे, उसमें आपको 4 से 5 mm इलेक्ट्रोड का उपयोग करना है, ठीक है। रूट फेस कितना रखना है, 3 से 5 mm का रूट फेस रखना है, और रूट गैप आप जो रखेंगे दोनों जॉब के बीच में वो है 3 mm। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डबल वी की आपने देख ली है, नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला जॉइंट है वो है हमारा सिंगल बेवल। कौन सा है, सिंगल बेवल। सिंगल बेवल किस प्रकार से बनता है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने एक प्लेट को ऐसे कैसे रख दिया है, दूसरी प्लेट को हमने यहाँ से दूसरी प्लेट को थोड़ा सा टेपर कर दिया है, वो इस प्रकार से अगर हम जॉइंट लगाते हैं तो ये हमारा सिंगल बेवल जॉइंट कहलाता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा बात करते हैं डबल बेवल। डबल बेवल किस प्रकार से लगाते हैं, एक प्लेट को हमने ऐसे रख दिया है, दूसरी प्लेट को हमने ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से ग्राइंड कर दिया है, घिस दिया है और एज प्रिपेयर कर दिया है, तो ये हमारा डबल बेवल कहलाता है। इसके आगे बात करते हैं सिंगल जे। सिंगल जे किस प्रकार से बनता है, एक प्लेट को हमने ऐसे रख दिया है, सेकंड प्लेट को हमने क्या किया है, अंग्रेजी के जे आकार, जैसे अंग्रेजी का जे अक्षर होता है उस टाइप में हमने यहाँ पे एक प्लेट के ऊपर ग्रूव बना दिया है, गड्ढा बना दिया है, ग्राइंड कर दिया है, घिस दिया है। तो इस प्रकार से जब हम एज प्रिपेयर करेंगे तो ये हमारा सिंगल जे कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे जैसे हमारे प्लेट की मोटाई बढ़ती है हम कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रॉपर एज प्रिपरेशन करना है, उनमें से प्लेट की थिकनेस के अनुसार आपको इसमें से चयन करना है, ठीक है। इसके बाद में जो हम बात करते हैं वो डबल जे। डबल जे कैसे बनाएंगे, ऊपर जैसे हमने जे बनाया था नीचे भी हम ग्रूव बना देंगे जे आकार में, तो ये भी हमारा डबल जे कहलाता है। बात करते हैं अगले जॉइंट की, सिंगल यू, ठीक है। हम जॉइंट के ऊपर यू टाइप में ग्रूव बना देंगे, तो इससे जो हमें जॉइंट प्राप्त हुआ है ये देखिए, ये यू टाइप में है, तो ये हमारा सिंगल यू कहलाता है। लास्ट जो हमारा जॉइंट है डबल यू। डबल यू कैसे देखे, आप देख लीजिए, हमने ऊपर यू बनाया है और नीचे भी यू आकार में ग्रूव कर दिया है जॉइंट के अंदर। तो इस प्रकार से जब हम जॉब की तैयारी करते हैं तो ये हमारा डबल यू कहलाता है। तो बट जॉइंट के एज प्रिपरेशन करने के बाद में इतने टाइप हम बना सकते हैं, इतने टाइप से हम जॉइंट लगा सकते हैं। तो ये था हमारा बट जॉइंट। इसके अलावा हम नेक्स्ट जॉइंट की बात करते हैं। हमारा अगला जॉइंट जो है वो है टी जॉइंट। टी जॉइंट के ऊपर हम किस प्रकार से एज प्रिपरेशन कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारा स्क्वायर टी जॉइंट। अगर आपके प्लेट की थिकनेस 10 mm तक है, 10 mm तक है, तो आपको किसी भी प्रकार की एज प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की एज प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप दोनों प्लेटों को टी आकार में रख कर जॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्लेट की थिकनेस
अधिक मोटी है, ठीक है। कई लोग तो डायरेक्ट भी जोड़ देते हैं और कई लोग जो है एज प्रिपरेशन करते हैं। ये चीज़ डिपेंड होती है कि आप जॉब को किस पर्पज में यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपका जॉब ऐसी जगह अप्लाई करना है जहाँ पर अधिक लोड आता है, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट हैवी प्लेट को डायरेक्ट रीजॉइंट बनाना उचित नहीं है, ठीक है। आपका जॉइंट तभी सक्सेस हो पाएगा जब वो मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, अच्छे पेनिट्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और पेनिट्रेशन हैवी प्लेट में पेनिट्रेशन तभी आएगा जब आप एज की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो कैसे कैसे प्रिपरेशन करते हैं देख लीजिए। हमारा जो सेकेंड टी जॉइंट है वो है सिंगल वेवल। एक प्लेट को हमने ऐसे ही रख दिया है, लेकिन सेकेंड प्लेट जो हमने ऊपर वाली है उसमें ये हमने टेपरनेस कर दिया है, किनारे को तैयार कर दिया है, घिस दिया है। तो इस प्रकार से जो हम एज प्रिपरेशन करते हैं ये सिंगल वेवल कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं डबल वेवल। तो एक प्लेट को हमने ऐसे ही रख दिया है, लेकिन ऊपर वाली जो हमने प्लेट रखी है आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ से इसके एज को ग्राइंड कर दिया है, घिस दिया है, किनारों को तैयार कर दिया है। तो इस प्रकार से जो एज प्रिपरेशन हम करते हैं जॉइंट की, ये हमारा डबल वेवल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जॉइंट है सिंगल जे। सिंगल जे कैसे लगाते हैं टी जॉइंट में, आप देख सकते हैं एक प्लेट हमने ऐसे रखी हुई है, ऊपर वाली जो प्लेट है इसमें भी अंग्रेजी के जे, अंग्रेजी का जो जे होता है उस टाइप में हमने यहाँ पे ग्रूव बना दिया है। और इस प्रकार से जब हम जॉइंट लगाते हैं तो ये हमारा सिंगल जे कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं डबल जे। डबल जे कैसे बनता है, जिस प्रकार से हमने इस प्लेट के ऊपर एक तरफ जे बनाया था, तो हम क्या करेंगे अगर दोनों तरफ जे बना देंगे, दोनों तरफ जॉब के दोनों तरफ जे बना देंगे, तो ये हमारा कौन सा जॉइंट हो जाएगा, डबल जे। ये प्लेट की थिकनेस के अनुसार होता है, प्लेट की जैसे थिकनेस बढ़ेगी तो आपको दोनों तरफ से ही एज प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जॉइंट है प्लग वेल्ड। प्लग वेल्ड एक स्पेशल कंडीशन के लिए ये चीज़ें अप्लाई होती हैं जो प्लग वेल्ड में आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, ये जो टी जॉइंट है उसको किस प्रकार से वेल्ड करते हैं, यह आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम के अंदर एक जॉइंट बनाया हुआ टी जॉइंट, जिसमें हॉरिजेंटल प्लेट ऊपर है, नीचे वर्टिकल प्लेट नीचे है। ऊपर जो हॉरिजेंटल प्लेट है उसमें तीन होल बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं ये तीन होल बनाए गए हैं। अब जो वेल्डिंग होगी इन तीनों होल के अंदर वेल्डिंग फिल होगी और इससे जो जॉइंट बन जाएगा ये हमारा प्लग वेल्ड हो जाएगा। इसमें मजबूती वाला काम नहीं है, लेकिन स्पेशल पर्पज़ के लिए ये जॉइंट लगाया गया है, ठीक है। इसके अलावा बात है स्लॉट वेल्ड, ये भी एक स्पेशल पर्पज़ जॉब है। इसमें क्या है कि उसी प्रकार से हॉरिजेंटल प्लेट ऊपर है, नीचे वर्टिकल प्लेट है, ऊपर वाली जो प्लेट है, ऊपर वाली जो प्लेट है यहाँ पर स्लॉट यानी कि झिर्री बना दी है, ठीक है, झिर्री बना दी है और उस झिर्री में वेल्डिंग भर दी गई है, ठीक है। तो इससे जो हमें ये जॉइंट मिला है इसको हम कहते हैं स्लॉट वेल्ड, ठीक है। ये भी स्पेशल पर्पज़ है, इसमें कोई मजबूती वाली बात नहीं है, लेकिन स्पेशल कंडीशन जब ऐसी आती है जहाँ पर हमें इस प्रकार से जॉइंट लगाने पड़ सकते हैं, तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। कभी भी कभी ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं, फिगर दे देता है, पूछ लेता है कि ये किस प्रकार का जॉइंट है, तो आपको ऐसी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद में हमारा अगला जो जॉइंट है वो है फ्लर जॉइंट, यानी कि कोई भी प्लेट है हॉरिजेंटल प्लेट रखी हुई है उसके ऊपर अगर हम लोहे की छड़ या बार या सरिया ऊपर यहाँ पे वेल्ड कर देते हैं, तो इस प्रकार से अगर हम जॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा फ्लर जॉइंट कहलाएगा। तो ये टी जॉइंट जो है इतने प्रकार से हम जॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा जॉइंट है वो है लैप जॉइंट, आप देख सकते हैं लैप जॉइंट। अब लैप जॉइंट को कितने तरीकों से हम जोड़ सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला है हमारा फिलेट लैप। अगर हमारी प्लेट की मोटाई 10 mm तक है तो हमें किसी भी प्रकार के एज प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लैप जॉइंट लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे प्लेट की मोटाई बढ़ गई 20 mm 25 mm, तो फिर अगर हम फिर भी ऐसे ही जॉइंट लगाएंगे तो हमारा जॉइंट
खराब हो सकता है, लोड के ऊपर वो टूट सकता है, और टेस्टिंग करने जाएंगे तो 100% आपको फेल भी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अच्छा पेनिट्रेशन और मजबूत जॉइंट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एज प्रिपरेशन करते हैं, और किस प्रकार से करेंगे। पहला है हमारा बेवल लैप, एक प्लेट हमने ऐसे कैसे रख दी है, दूसरी प्लेट के एज को हमने टेपर करके यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। तो इस प्रकार से जॉइंट जो हमें मिलता है वो कहलाता है बेवल लैप जॉइंट, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो है हमारा जे ग्रूव, ठीक है। जे ग्रूव में क्या होता है, एक प्लेट हमने ऐसे कैसे रख दी है, सेकंड जो प्लेट है ऊपर जो सेकंड प्लेट हमने रखी है उसमें अंग्रेजी के जे आकार में, अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार में हमने यहाँ पे ग्रूव बना दिया है। तो इस प्रकार से अगर हम जॉइंट करेंगे तो ये अंदर तक जॉइंट अंदर तक पिघलेगा और अंदर तक पेनिट्रेशन आएगा, तो इस प्रकार से जॉइंट को अधिक मजबूती प्राप्त होगी। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये उपयोगिता है एज प्रिपरेशन की। नेक्स्ट जब हम जॉइंट की बात करते हैं वो है प्लग लैप। प्लग लैप किस प्रकार से करते हैं आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हो रखा है, नीचे प्लेट रखी हुई है, ऊपर भी एक प्लेट यानी कि नॉर्मल लैप बनाया हुआ है, लेकिन ऊपर वाली प्लेट में आप देखेंगे तीन ड्रिल होल किए हुए हैं, तीन ड्रिल होल किए हुए हैं। अब जो वेल्डिंग होगी उन तीनों ड्रिल होल को ही फिल करेगी, तो इस प्रकार से जो जॉइंट लगेगा हमारा प्लग लैप कहलाएगा। ये भी स्पेशल पर्पज जॉब है, इसमें कोई खास मजबूती नहीं आएगी, लेकिन ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां हमें बीड लगाने का दोनों तरफ से स्पेस नहीं मिलता है, या फिर ऐसी स्पेशल कंडीशन है कि हमें ऊपर से ही इनको फिल करके ही जॉइंट करना है, तो ऐसी कंडीशन पे हम इस प्रकार के जॉइंट का उपयोग करते हैं। नॉलेज होनी चाहिए आपको इन सब चीज़ों की। स्लॉट लैप आप देख सकते हैं, नीचे एक प्लेट रखी हुई है, ऊपर एक प्लेट रखी हुई है, लैप जोड़ बनाया हुआ है, लेकिन ऊपर वाले प्लेट में झिर्री काटी हुई है, उस झिर्री के अंदर ही अगर आप वेल्डिंग भरेंगे तो इससे जो जॉइंट प्राप्त होगा ये हमारा स्लॉट लैप कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लैप जॉइंट्स को भी तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एज प्रिपरेशन की कितनी उपयोगिता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। एज प्रिपरेशन जो एक छोटी सी चीज़ थी, इसने कितने टाइप बना दिए हैं, जॉइंट्स के कितने टाइप्स इसने तैयार कर दिए हैं। अगला जो जॉइंट है हमारा है कॉर्नर जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, ठीक है। लगने में सिंपल ही लग रहा था, लेकिन कॉर्नर जॉइंट के भी देखिए कितने सारे टाइप्स निकल कर हमारे सामने आ गए हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे कॉर्नर जॉइंट होते हैं, याद रखना दो प्रकार के कॉर्नर जॉइंट होते हैं। एक है हमारा ओपन कॉर्नर जॉइंट, कौन सा है, ओपन कॉर्नर जॉइंट। दो प्रकार के कॉर्नर जॉइंट कहलाते हैं, पहला है ओपन कॉर्नर। देखिए आप देखिए इसमें जो हमारा जॉइंट लगा हुआ है, इसमें दोनों प्लेटों के दोनों एज ओपन यानी कि खुले हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा कॉर्नर जॉइंट लगता है ये ओपन कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट जॉइंट है वो है क्लोज कॉर्नर। क्लोज कॉर्नर में आप देख सकते हैं जो हमारा ये जो हमने कॉर्नर जॉइंट लगाया है, इसमें दोनों प्लेटों के जो किनारे हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप है, दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज हो रखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम कॉर्नर जॉइंट लगाएंगे ये हमारा क्लोज कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। तो अगर आपको नॉर्मली इंटरव्यू के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कॉर्नर जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मली कॉर्नर जॉइंट जो है दो प्रकार के होते हैं, बाकी जो टाइप है वो एज प्रिपरेशन के द्वारा मॉडिफाई हम कर सकते हैं, वो मजबूती के लिए है, लेकिन टाइप जो है ये दो टाइप के बेसिकली हमारे कॉर्नर जॉइंट होते हैं। तीसरा हम जॉइंट देखते हैं जे ग्रूव। अब जे ग्रूव किस प्रकार से करते हैं, एक प्लेट को हमने ऐसे कैसे रख दिया है, लेकिन दूसरी प्लेट को हमने यहाँ पर जे ग्रूव बनाया है, यानी कि अंग्रेजी के जे आकार में यहाँ पर ग्रूव बना के अगर इस प्रकार से हम वेल्डिंग करेंगे, इस प्रकार से जॉइंट बनाएंगे तो ये हमारा जे ग्रूव कहलाता है। आगे बात समझ में। हमारा नेक्स्ट जॉइंट है वी ग्रूव, वी ग्रूव कॉर्नर जॉइंट। ये किस प्रकार से लगाते हैं देखिए, आप देख सकते हैं हमारी ये फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट, अगर हम दोनों को टेपर करेंगे और दोनों को इस प्रकार से जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक
वी टाइप में यहाँ पे शेप बन रही है। तो इस प्रकार से अगर हम दोनों को जॉइंट करेंगे, दोनों को टेपर करके ग्राइंड करके अगर हम इस प्रकार से जॉइंट करेंगे तो ये हमारा वी ग्रूव जॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेवल कॉर्नर, यानी कि एक प्लेट को हमने ऐसे कैसे रख दिया है, दूसरी प्लेट में अगर हम यहाँ पे टेपर करके ये जॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा बेवल कॉर्नर कहलाता है। तो इतने टाइप से हम कॉर्नर जॉइंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका जॉइंट जो आपका प्लेट है वो कितना थिकनेस का है, आपकी जो जोड़े जाने वाली प्लेट है वो कितनी मोटी आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जॉइंट की हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट जॉइंट है एज जॉइंट, ठीक है। एज जॉइंट जो आप सबसे कम यूजफुल समझते थे, लेकिन एज प्रिपरेशन के द्वारा इसको भी हम कई तरीकों से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए, फर्स्ट जो है हमारा वो है स्क्वायर एज। स्क्वायर एज का मतलब है आपने ऐसे कैसे नॉर्मल दो प्लेटें रखी और इनके ऊपर वेल्डिंग की, तो ये आपका स्क्वायर एज कहलाता है। देखिए 5 mm तक आप इस प्रकार से स्क्वायर एज जॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी प्लेट की मोटाई अधिक होती है और ऐसी कंडीशन आती है कि आपको एज जॉइंट लगाना ही पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम जॉइंट को मजबूती प्रदान करने के लिए किस प्रकार से एज प्रिपेयर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बेवल एज। एक प्लेट को हमने ऐसे कैसे रख दिया और दूसरी प्लेट को हमने देखिए, आप देखिए यहाँ से टेपर कर दिया है, एक किनारा हमने टेपर कर दिया है। अब यहाँ पर हम वेल्डिंग भरेंगे, तो इस प्रकार से जो हमने ये एज प्रिपेयर किया है ये हमारा बेवल एज कहलाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला जो जॉइंट है वो है वी एज। वी एज जॉइंट ये किस प्रकार से है आप देख सकते हैं, आपके सामने दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों के एजेस को हमने तैयार किया हुआ है, दोनों प्लेटों के किनारों को हमने ग्राइंड किया हुआ है और यहाँ पर हमने वी तैयार कर दिया है। ये यहाँ पर क्या कर दिया है, वी तैयार कर दिया है। अब हम इसके ऊपर अगर जॉइंट लगाएंगे तो पेनिट्रेशन गहराई तक प्राप्त होगा। आई उपयोगिता समझ में, पेनिट्रेशन कहाँ तक होगा, अंदर तक प्राप्त होगा जहाँ तक हमने वी बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से जो जॉइंट लगेगा वो हमारा मजबूत जॉइंट लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वी जॉइंट तैयार कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है जे एज जॉइंट किस प्रकार से लगाते हैं आप देख सकते हैं, एक प्लेट ऐसे कैसे रख दी, सेकेंड प्लेट में हमने जे टाइप में ग्रूव बना दिया है और इस प्रकार से अगर हम जॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा जे एज जॉइंट कहलाएगा। इसके बाद में है हमारा यू एज जॉइंट। यू एज जॉइंट देखिए किस प्रकार से लगाते हैं, आपके सामने ये आपका डायग्राम है, इसमें क्या किया हुआ है आप देख सकते हैं, हमने दोनों प्लेटों को यू आकार में ग्राइंड कर लिया है, यू आकार में ग्रूव बना दिया है। अब इसके अंदर हम वेल्डिंग करेंगे, अच्छी तरह से हमारा जॉइंट फिल होगा, गहराई तक हमारा जॉब जो है फ्यूज होगा और अच्छा जॉइंट हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम यू एज जॉइंट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है फ्लेंज एज जॉइंट। देखिए एक प्लेट जो है सीधी प्लेट आप जॉइंट कर रहे हैं, साथ में अगर आपको राउंड शेप में जो प्लेट है वो भी वेल्ड करनी है, तो इस प्रकार से अगर आपका जॉइंट लगता है तो ये आपका फ्लेंज एज जॉइंट कहलाता है। तो इतने टाइप से आप इन जॉइंट्स को तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आप वेल्डिंग जॉइंट को कितने तरीकों से मॉडिफाई कर सकते हैं, कितने तरीकों से एज प्रिपरेशन करके जोड़ सकते हैं और एज प्रिपरेशन की क्या उपयोगिता है आपने अच्छे से जान ली होगी। कभी भी आप जॉइंट करने जा रहे हैं तो उसकी थिकनेस को चेक करें, अगर उसमें एज प्रिपरेशन की ज़रूरत है तो सही एज प्रिपरेशन करें और वेल्डिंग लगाएं। आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है, उसमें भी ये चीज़ें ध्यान देनी है आपको, और मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपके लिए कि आपका स्किल टेस्ट अच्छे से हो। हम फिर मिलेंगे एक नए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।